हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे मैं अभी कर रही हूँ पैकिंग व्यान के बर्थडे पार्टी के लिए। तो इस बार व्यान का बर्थडे जो है ना वो होने वाला है व्यान के दादनबाड़ी में, मीन्स मेरे इन लॉज के यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो इसलिए सारा चीज़ें कपड़े वपड़े निकाल के रख दिया है हस्बैंड का, मेरा मेरा व्यान का, तो ये कुछ। तो अभी मैं फटाफट करती हूँ पैकिंग। तो पैकिंग करके सारा काम ख़त्म करके शरकत हमें बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए लेके जा रहे हैं। तो शरकत भी जाएंगे आज, लेकिन वो ना अपना सारा काम निपटा के फिर जाएंगे, और जाते जाते उनको काफ़ी रात हो जाएगी। और हम लोग भी थोड़ा सा लेट हो चुके थे, तो हम लोगों को ना यहाँ पे शाम हो गई थी, अंधेरा हो चुका था जाते जाते, आप देख ही सकते हो। और बस में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो फिर हमने अपना सीट थोड़ा सा शेयर भी किया एक बच्चे के साथ। और बस अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं, और मम्मी पापा ट्रेन से आ गए थे, तो वो लोग भी बस स्टैंड में वेट कर रहे थे। फिर बॉबी पिंटू भी बस स्टैंड में वेट कर रहे थे। तो सब लोग, हम लोग एक ही साथ आ गए बस स्टैंड पे, और सब लोग एक साथ मिलके फिर जाएंगे घर। और टिया एंड शुतनुदा भी आए हैं हम सबसे मिलने के लिए। और बस से उतरते ही सब लोग बिहान से मिलने लगे। तो सब लोग ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं इस दिन के लिए, बिहान के बर्थडे के लिए। तो बिहान जितना एक्साइटेड रहता है उतना सभी लोग एक्साइटेड रहते हैं। और यहाँ पे देखिए बॉबी भी है, यहाँ पे टिया भी है। तो टिया एंड शुतनुदा मिलने के लिए आए हैं, और बॉबी पिंटू जस्ट आधा घंटा पहले वो लोग बस स्टैंड पे उतरे थे। तो हम लोग, उन लोगों ने वेट किया हमारे लिए कि एक ही साथ हम लोग घर जाएंगे। और मम्मी पापा को भी मैं दिखा देती हूँ। तो मम्मी यहाँ पे ऑलरेडी टुक टुक में बैठ गए हैं जाने के लिए। तो ये देखिए मम्मी, तो ये लोग आज ही आए हैं ट्रेन से, और एकदम टाइमिंग इतना अच्छा है ना कि हम सब लोग एक साथ मिल के जाएंगे अभी घर। तो टिया एंड शुतनुदा को यहाँ पे बाय बाय बोल के जाएंगे, वो लोग अभी नहीं जाएंगे, वो लोग एकदम कल सुबह सुबह जाने के लिए कहा है। तो कल कब तक वो लोग जाते हैं वो देखते हैं। तो अभी वो लोग हमारे घर नहीं जाएंगे, जस्ट हमसे मिलने के लिए आए हैं। तो अभी पूरा टुक टुक पैक करके हम लोग, फुल करके हम लोग सब लोग एक साथ मिल के जा रहे हैं घर। तो ऑलरेडी हम लोग ना 8:30 बज चुके थे इस टाइम पे, हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट कर गए थे। और यहाँ पे हम लोग ऐसे ही एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक कर रहे थे, और आते ही सरप्राइज़ मिली कि इतना अच्छा पैंडल बना हुआ था बिहान के बर्थडे के लिए। हमने सुना तो था कि पैंडल बनेगा, लेकिन इतना अच्छा एकदम शादी वाला पैंडल ऐसा नहीं सोचा था। हमने सोचा था एक छोटा सा सेटअप होगा जहाँ पे मतलब लोग बैठ के खाएंगे कुछ ऐसा, लेकिन ये तो एकदम शादी वाला पेंडल लग रहा है। बिहान ना पूरा रास्ता बस उसको गिफ्ट लेना था कि मम्मा, मैंने कहा कि गिफ्ट मैं लेके आई हूँ, बस उसको गिफ्ट खोलना था। तो मैं उसको बार बार बोल रही थी कि बच्चा अभी नहीं, जब टाइम आएगा तब देंगे। और ये लोग भी एक एक करके सारा सामान निकाल के ये लोग आ गए हैं। और बर्थडे की एक्साइटमेंट में ना व्यान का अपना तबीयत ख़राब भूल गया है, और आज दोपहर को उसने नैप तक नहीं लिया है बर्थडे के एक्साइटमेंट में। तो बच्चे की तबीयत में अभी काफ़ी ज़्यादा सुधार है, जो देख के हमें भी अच्छा लग रहा है कि ठीक है, अगर थोड़ा सा बेटर रहेगा तो अपना बर्थडे इन्जॉय कर पाएगा। और मम्मी अपना पिटारा खोल रही है कि मम्मी क्या क्या लेके आई है। तो ये ना कुछ चाल भाजा टाइप का लेके आए हैं, तो ये बाद में टेस्ट करेंगे। और कुछ मिठाई मम्मी अपने हाथों से घर से बना के लेके आई है, तो ये देख रही हूँ। थोड़ा सा टिया को भी दे दिया है रास्ते में, और बाकी ये हमारे लिए है। तो ये देखिए मम्मी ने खुद अपने हाथों से दो तरह की मिठाई बना के लेके आई है, एक तो गौजा है और एक है दूध का जो पेड़ा है ना वो। और बिहान ना ज़्यादा कुछ खाना पीना तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसको ना मीठा खाना अच्छा लग रहा है, तो इसलिए दीदुन के बनाया हुआ मिठाई देख के ही वो मतलब खाना स्टार्ट कर गया। सासुमा ने बिहान के लिए एक केक बनाने के लिए भी रख दिया है कि आज रात को हम लोग केक काट के सेलिब्रेट करेंगे, और बाकी कल तो एक थीम वाला केक जो है ना वो हम लोग लाएंगे ही। और अभी बजे है रात के 11:30, और बिहान को वेट नहीं हो रहा था, और बिहान ने दोपहर को सोया भी नहीं, अभी ना उसको सुलाना है। तो हमने सोचा कि अभी केक कटिंग कर लेते हैं, 12 बजे तक वेट नहीं करेंगे, क्योंकि उसका भी तबीयत अच्छा नहीं है और हम सब भी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड है। तो इसी टाइम पर हम लोग केक कटिंग कर लेते हैं, और केक इतना अच्छा फूला है ना, तो मैंने सोचा कि इस टाइम पे केक कटिंग होगी तो इस टाइम पे मैं अपना गिफ्ट जो है ना, जो आप लोगों को दिखाया है, वो भी यहाँ पे दे देती हूँ उसको, क्योंकि कल तो बाकी सारे लोग गिफ्ट देंगे ही, तो आज ही उसको ये गिफ्ट मिल जाए। उसको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कब से कि मम्मा क्या गिफ्ट लेके आया है मेरे लिए, तो अभी देंगे। तो केक कैंडल भी जला दिया है, और सारे लोग उसके साइड में बैठ गए कि एक साथ मिल के बैठ के केक कटिंग करेंगे। उसके बाद सबको सोना है, सबका डिनर वगैरह जो है ना वो हो गया था। और यहाँ पे मेरे सासू माँ ने भी व्यान के लिए एक गिफ्ट लिया है पैक वैक करके। व्यान बहुत ज़्यादा खुश है, गिफ्ट के लिए बच्चे आई थिंक ज़्यादा खुश रहता है। और टिया तो नहीं आ पाई, तो वो यहाँ पे वीडियो कॉलिंग में देख रहा है सब कुछ। तो चलिए अभी केक काटते हैं। आगे फू, आगे फू मम्मा। हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे टू यू, उल्टा होच्छे बाबा, हैप्पी बर्थडे डियर बेटू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आमी तुम्हाके देखाच्छी, ओके देखते बच्चो, ये গরমে গেমে গেল ও ঠাম খাবে না, দিয়ে দাও দিয়ে দাও, মাম্মা পাপা আরে গিফট পরে এই যে বিয়ে দে না, এই ছোট দে ছোট দে, পিছুকে দে পিছুকে দে, পপনকে খাই দে, পপনকে মোবাইল দে, কেন কেন তুমি এটা কেন, এই যে গিফট দিচ্ছে, কম হিয়ে কম হিয়ে, এটা মধ্যে আছে থাকি, ও সামনে এসে ভালো করে বসতেছে, ইয়ে তোমার মনে হয় ও না খুলে কত হবে, ওর না না দিদুন গিফট দেবে, এটা কালকে বসে বসে করবে, হ্যাঁ চলো এবার ঘুমাতে যাবো, চলো বাবা দিয়ে লাগিয়ে দে, মামার কোন গিফট র‍্যাপ নাই, হ্যাঁ মামা স্টোরি বলে বলে শোনাবে, ওটা লেগো, ওটা তোমাকে বানাতে হবে, দেখো ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট দিস, ওকে ওয়ান বাই ওয়ান, তো ইয়ে ভিডিও মানে কাফি ছোটা বানায়া হ্যাঁ, নেক্সট যে ভিডিও হ্যাঁ বার্থডে ব্লগ হি আয়েগা, আম সরি মানে থাড়া সা লেট হো গই দেনে মে, কিউকি ইয়াহ পে ইলেকট্রিসিটি কা কুছ প্রবলেম চল রহা থা, এন্ড উপর সে না সবকি তবিয়ত বহুত জাদা খারাপ হ্যায়, মেরা গলা ভি খারাপ হ্যায়, আপ দেখ সকতে হো, তো মেরি ভি তবিয়ত সহি নাহি হ্যায়, তো ইয়ে আজ ছোটা সা ব্লগ আপ লোগ এনজয় কর লো, কল পক্কা মে বিহান কা বার্থডে ওয়ালা ব্লগ জো হ্যায় না ভো ডালুঙ্গি, আর বিহান কো ঢের সারা আশীর্বাদ দেনা, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং, আর মিলতে হ্যায় কল।